माँ को दे दे उठा आई अच्छी लगे भगवान आंख दे तो कौड़ी माँ ने बाहर निकाल के रखी। अच्छा तो बोलिए आ जाती थी चाची जी मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फिर से कुछ नया निकल नए नमस्ते दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। मैं बहुत जल्दी में हूँ इसलिए बहुत जल्दी जल्दी बोल देती हूँ। और आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अभी तक मेरी इस हैप्पी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन गए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर। तो आज है क्या है आज बसु बारस या फिर उसको कहते हैं क्या बच्चा बारस। तो हाँ आज मेरा उसका उद्यापन है, मुझे 2-3 साल हो गए करते हुए। जब बेबी होता है उसके बाद से ये करना स्टार्ट करते हैं और फिर 2-3 साल बाद या जितने साल बाद आपको करना हो इसका उजोना कर देते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि अब इसका उजोना कर देते थे, इसलिए मैं आज पीले का ये पोशाक पहन के रेडी हूँ। अगर आप मारवाड़ी हैं तो आपको पता होगा कि मैंने पीले का पोशाक क्यों पहना है, और यदि नहीं पता है तो आप इससे पहले वाला ब्लॉग जाके देखिए 11 का, आपको पता चल जाएगा कि आज मैंने पीले का पोशाक क्यों पहना है। तो कैसी लग रही हो कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ना आज गाय की और गाय के बछड़े की पूजा होती है, गेहूँ नहीं खाते हैं, चावल नहीं खाते हैं, आज ना मोटा अनाज खाते हैं जैसे ज्वार बाजरा, तो वही सब हमारे यहाँ बनेगा। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाने की कोशिश करूँगी कि क्या क्या होता है आज के दिन में। तो चलिए आगे बने रहिए, लेकिन सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, शेयर मत कीजिए अभी, पहले लाइक कर दीजिए और एक हार्ट कमेंट कर दीजिए। चलो बाय बाय, मिलते हैं आगे। खाना भूल गई कि मैं कैसी दिख रही हूँ, इसलिए मैं वापस आई तो मैं ऐसी दिख रही हूँ। कैसी लग रही हूँ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने पहना है लाख का चूड़ा और ये मेरी कॉटन की बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल पोशाक। और मुझे ना एक गोटा बहुत पसंद है, क्या आपको भी पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। चलो बाबा मैं लेट हो रही हूँ। और मैंने नीचे आके देखा कि माँ ने पूजा की सब तैयारियाँ कर चुका है। तो ये थी ज्वारी और बाजरे की मुठरियाँ, जो ज्वारी और बाजरे के आटे में ना पानी मिला के बनाई जाती है, साथ में गुड़ रखा था, ये सब गाय को खिलाने के लिए रखा हुआ था यहाँ पे। आज के दिन यही भोग लगाया जाता है। और साथ में ये थी पूजा की थाली जिसमें पूजा संबंधित सब ज़रूरी चीज़ें रखी हुई है, जैसे कुकू चावल, फूल, दिया, कपूर, मेहंदी और साथ में थोड़े से ज्वारी मोठ, ये सब भी रखते हैं, तो वही रखा हुआ था। और जो सातू बनाते हैं ना उसके लड्डू रखे हुए थे। और ये थी साड़ी, वैसे तो हम अधिकतर गाय को ब्लाउज पीस ही ओढ़ाते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा आज उजोना है तो इसलिए हमने साड़ी निकाली थी गाय को ओढ़ाने के लिए। तो बस ये सारी तैयारी माँ ने पहले ही करके रख ली थी, मैं आई तब तक हो चुका था। और पिछले साल ये तैयारियाँ मैंने की थी, तो यदि आप पिछले साल का बच बारस का मेरा ब्लॉग देखेंगे तो उसमें आपको ये सब देखने को मिलेगा। फिर गाय और बछड़ा भी सुबह सुबह आ ही गया था, जैसे ही मैं नीचे आई थी तो यहाँ पूजा करना स्टार्ट किया। सबसे पहले उनको खिलाने के लिए मुठरियाँ रख दी, उसके बाद पैर धोए, टिक्की लगाई, साड़ी ओढ़ाई, ये सारी चीज़ें एक एक करके सब करी। फिर गाय और बछड़े की परिक्रमा दी और उसके बाद में ना जो भी पैसे वगैरह देने थे वो ये जो ग्वाला होता है, मतलब जो गाय और बछड़े को लेके आता है, उसको दिए, सब कुछ लड्डू वगैरह भी दिए, टीका वीका लगा के देन ऊपर आ गए थे। और ये भैंस के जो गोबर होता है ना, आज गाय के गोबर से कुछ भी नहीं होता है, गाय का घी भी नहीं चलता है इवन, तो दूध वगैरह भी नहीं चलता है, गाय का कुछ भी ऐसे चलता नहीं है।
तो फिर भैंस के गोबर से ऐसे तलाई बनाते हैं और फिर पूजा करते हैं। तो हम यहाँ पूजा कर रहे थे और साथ ही साथ अब कहानी सुन रहे थे, तो फिर मैंने ज्वारी के आका लिए हुए थे। और जब भी कभी ऐसी पूजा वगैरह करते ना, तो मुझे ऐसा लगता है आप मुझे कहानी पढ़ने के लिए दे दो, पर कहानी सुनाओ मत, क्योंकि मुझे सुनने में इतनी नींद आने लगती है, ऐसे उबासियाँ आने लगती है। और पढ़ते टाइम ऐसा होता है ना, टाइम पास हो रहा होता है तो फिर मैं फटाफट पढ़ देती हूँ। तो यहाँ भी कहानी मैं ही पढ़ रही थी और ये दोनों सुन रहे थे। फिर हमारी ये पूजा वगैरह हो गई थी, तो उसके बाद हमने थोड़ी सी आरती कर ली। और गणेश जी कितने सिंपल होते हैं ना, उनकी आरती कहीं भी कर सकते हो आप, लाइक कहीं भी कुछ भी। तो हमने बस गणेश जी की आरती गा के आरती कर ली फटाफट से यहाँ पे तलाई की। और फिर अब मुझे जाना था आँखें चढ़ाने के लिए, तो मैं आँखें चढ़ाने के लिए चली गई। तो सूरज देवता को पानी चढ़ाते हुए आँखें चढ़ाते हैं, तो यहाँ पर मैं वही कर रही थी। सूरज देवता को पहले थोड़ा सा हल्दी कुकू लगाया, कुकू चावल सॉरी, और फूल चढ़ाया, देन उसके बाद आँखें से पानी छोड़ा। फिर ना पूरी पूजा होने के बाद पता है अपने अपने बेटे को ना बेटे से ऐसे लड्डू उठवाते तलाई खंडित करवा के। तो अविक तो करने से रहा, तो संकेत ने ही ये कर दिया था और अविक ने संकेत को हाथ लगा दिया था। तो ऐसे तलाई छिली उंगली से पूरी तोड़ते हैं ताकि जब तक पानी बाहर आ जाए, और फिर ऐसे पान पे लड्डू रख देते हैं और बोलते हैं कि लड्डू उठाओ। तो बस ये चीज़ें चल रही थी। पहले तो सभी लोग सिर्फ बेटों से ही कराते थे, लेकिन आजकल अब हम सब ने तो रूल बदल दिया है, अगर आपके बच्चे हैं तो सब बच्चों से उठवाओ। तो यदि मेरा बेबी गर्ल भी चाइल्ड होती तो मैं उससे भी करवाती। और क्योंकि मेरा आज उजोना है, तो इसलिए मैंने यहाँ साड़ियाँ निकाली हुई थी, चाची जी की, माँ की और दादी जी की। तो यहाँ उनकी तीनों की साड़ियाँ निकली हुई हैं। माँ की साड़ी बहुत सुंदर आई है चुंदड़ी की, एंड देन है ना ये तीनों साड़ियाँ हैं। तो अब इनको कलब दूंगी मैं फटाफट से, और फिर तीनों को पगा लाग के साड़ियाँ दे दूंगी। और बाकी सबको देने के लिए मैंने नारियल बुलवाए थे, नारियल और एक एक मेहंदी का कोन ही देना था, यही देते हैं। तो बस मैं यहाँ पे नारियलों में मोली बांध रही थी ताकि इनको भी कलप लूँ एक बार का और फ्री हो जाऊँ। तो यहाँ एक एक करके सभी नारियलों में मोली बांधना मेरा चालू था बातें करते करते। तो 13 लेडीज़ जीमती हैं और साथ में एक होता है साखिया, मतलब एक बच्चा लड़का कुंवारा लड़का जीमता है। तो वैसे करके 14 नारियल और मेहंदी के कोण थे। और कुछ जैसे हमारे जो घर के लेडीज़ हैं जिनको सुपारी नहीं दे पाए क्योंकि और भी लोगों को देना था, तो उनको भी जीमने बुलाया हुआ है, तो उन सबको भी मुझे मेहंदी के कोण देने थे। तो यहाँ बस मैं कल्पना काटने के लिए सभी नारियलों में टीका लगा रही हूँ, और मेहंदी के कोण में मैंने टीके के छींटे मार दिए थे, और फिर इसके बाद पानी आजू बाजू फिरा के इनको मैंने कल्प लिया। ये सारे ना मारवाड़ी रीति रिवाज होते हैं, अगर मतलब आप मारवाड़ी हैं और मुझे फॉलो करते हैं तो आप इन सब चीज़ों से रिलेट कर पाएंगे। और यदि आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो भाई रीति रिवाज समझ के छोड़ दीजिए, हर धर्म के हर लोगों के अलग अलग होते हैं। तो बस वैसे ही ये मारवाड़ियों के हैं। और हमने ना खाना बनाने के लिए आज दो हमारे हेल्पर्स को बुलाया हुआ था, तो वो हमारी हेल्प करने वाली थी आंटी, तो उन दोनों ने फटाफट से पूरा खाना बना दिया था। आज के मेन्यू में था मोठ, साथ में थी कढ़ी, और थी ये जो गवार की शेंगा होती है ना, मतलब ये चपटी वाली जो बीन्स होती है, मैंने इसका यही नाम रखा हुआ है। मुझे एक्चुअल अभी तक ना फलियों के सब अलग अलग तरह की फलियों के पूरे नाम याद नहीं है, तो इसलिए मैं उनका नाम ना अपने हिसाब से रखती हूँ।
और कढ़ी बनी थी और साथ में बनी थी ये जो मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब ये तो एक्स्ट्रा मोड थी ये वाली, जो बिना प्याज लहसुन का खाते हैं उनके लिए बिना प्याज लहसुन की कढ़ी और मोड बनाई थी। यहाँ के जो लोकलाइट्स है ना वो कढ़ी में भी लहसुन डालते हैं, और साथ में ठेचा भी बना था तो जो आपको पहले ही दिखाया था मैंने। देन यहाँ पे आंटीज़ ऐसे ना थाप के सोगरे बना रही थी, मतलब ज्वारी और बाजरे की रोटियाँ, उनके लिए हमने यहाँ पे चूल्हे लगा दिए थे बाहर, और चूल्हे पे मस्त रोटियाँ बन रही थी और सबको इतना अच्छा लगा ना, इन्होंने इतना अच्छा खाना बनाया था, सबको काफ़ी ज़्यादा इनका खाना पसंद आया था। फिर स्टार्टिंग की रोटियां वगैरह बन गई थी तो मैंने सोचा फटाफट से भोग निकाल देती हूँ। तो जो रेगुलर हमारे यहाँ दो रोटी का भोग लगता है भगवान जी का, तो एक रोटी हम भगवान जी की भोग की लगाते हैं और एक पितर जी की, तो वो दोनों निकाले। देन उसके बाद गाय का पूरा निकाल दिया था और एक और प्रसाद की थाली मैंने पूरी निकाल दी थी, तो यहाँ मैं वही कर रही थी फटाफट से, सारी की सारी सबकी अलग 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 प्लेट्स निकाल रही थी। देखो अब सामने से दिखाती हूँ कि ऐसे ना हाथ से ये लोग रोटी बना लेते हैं और इतना बड़ा सोगरा बना लेते हैं, मुझसे तो बेलन से बेल के भी इतना सही बन पाता है, टूट टूट जाता है। लेकिन आजकल मैं ज्वारी की रोटी बनाना तो बहुत अच्छे से सीख गई हूँ, अब मुझे बन जाती है और मैं सेक भी अच्छे से लेती हूँ बिना टूटे। देन उसके बाद दीदी वगैरह सब लोग आ गए थे तो सब जीमने बैठ गए थे, तो मैंने सबके लिए थाल पुरस दिया हम लोगों ने, तो सारे चाची जी, माँ, बड़ी मम्मी सब लोग एक साथ जीमने बैठ गए और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि हम बहुत दिनों बाद ऐसे साथ में जीमने बैठे हैं, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे साथ में जीमना, तो बढ़िया उन लोगों ने मज़े किए। सब देवरानी जेठानी ने एक दूसरे को यहाँ कवा दे रही हैं और एक चाची जी जो नहीं आ पाए थे तो उनको हमने वीडियो कॉल किया था, उनका कुछ मतलब तबीयत ठीक नहीं था तो इसलिए वो आ पाए थे, तो उनका वीडियो कॉल करके उनको, फिर मैंने वीडियो कॉल से उनको वीडियो में भी शामिल कर लिया। और देन उसके बाद यहाँ दादी जी वगैरह भी सब जीम रहे थे, तो ऐसे करके यहाँ जीमना चालू हो गया था। और पता है जितने लोगों को आपने जिम में बुलाया है उज्जोने पे, तो वो यदि उतने नहीं जिमते ना जब तक आप सबको आपका जो आपको देना है वो नहीं दे देते, पैर नहीं पड़ते, तब तक आप खुद भी नहीं जिम सकते, ऐसा नियम होता है। तो फिर मैं सबके लिए वेट कर रही थी कि सब जिम लो फिर मैं जिमती हूँ, लेकिन लास्ट तक मेरी भूख ही ख़त्म हो गई थी। देन सब जीम लिए थे तो फिर मैंने सबको पगा लग लग के नारियल और मेहंदी का कोन देना स्टार्ट किया फटाफट से, एक 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 को देना। तो सबसे पहले मैंने दादी जीओं को दिया, दोनों दादी जी को दिया, फिर उसके बाद बड़ी मम्मी बैठे हुए थे तो बड़ी मम्मी को, चाची जी को, ऐसे करके एक 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 को फटाफट से देना स्टार्ट किया, फटाफट से सबके पगे लगे।
पता है कुछ भी बोलो लेकिन है ना परिवार के सब लोग मिल जाते हैं, सब साथ में हंसी मजाक करते हैं ना, तो एक मज़ा ही अलग आता है। और पहले तो मुझे बहुत ऑड लगता था, लेकिन अब धीरे धीरे जब कि मैं इस परिवार में रम चुकी हूँ पूरी तरह से, तो अब मुझे सबके साथ में बहुत मज़ा आता है, सबके साथ बहुत मजाक मस्ती भी हो जाती है। और ऐसे जब भी सब इकट्ठे हो जाते हैं तो मेरा तो दिन ही बन जाता है। देन बस एक 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 करके मैंने सबको दिया, फिर माँ ही रह गए थे तो माँ को भी मैंने फटाफट दे दिया ताकि हो जाए। अब बस भाभी जीम रहे हैं और बाकी के जो आंटियाँ आए हुए थे वो जीम रहे थे, तो मैं वेट कर रही थी ये लोग भी जीम ले फिर मैं दे दूँगी। और फिर सबके जाने का टाइम हो गया था और सब चले गए, फिर घर इतना खाली खाली लग रहा था, मुझे इतना अजीब सा लग रहा था। देन मैं जीमने बैठी, तो ये था हमारी आज की थाली। सेवों और बर्फ़ी हमने बाहर से ही बुलवा ली थी, बना के बुलवा ली थी। देन उसके बाद में कढ़ी मोठ भी, ये गवार की शेंगा, ठेचा और ज्वारी की रोटी, नहीं ये बाजरे की रोटी, और थोड़ा सा मैंने गुड़ लिया था। भाई अभी बज रहे हैं 3, मेरा अवतार देख लो क्या सुबह कितना बढ़िया दिख रही थी, और अभी देखो कैसी दिख रही हूँ। पूरे धीरे एक एक करके ना सब चीज़ें उतार दी, नाद बोर गले का क्योंकि सहन ही नहीं हो रहा था कुछ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और ऊपर से काम थकान। सब लोग जिम लिए, बहुत अच्छा हुआ सब कुछ, खाना भी बहुत अच्छा बना था, सबको बहुत अच्छा लगा, आंटीज़ बहुत अच्छी थी। सो बस अब भी जस्ट फ्री हुई हूँ, अब मैं मेरे कंफर्टेबल कपड़े पहनूंगी और थोड़ी देर सोऊंगी, क्योंकि ना आज पता क्या होता है बचबारस के दिन, वैसे तो जनरली सभी लेडीज़ करती हैं बट अब होता नहीं है तो सब लेडीज़ ने बंद कर दिया है। कि जनरली होता क्या है कि गाय जब चरने जाती है और गाय चरने के आने के पहले, मतलब 5 बजे के पहले सब लोग जिम लेते हैं, तो क्योंकि अब सब बाकी तो कुछ करते नहीं हैं, लेकिन मेरा उजोना था इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा। तो मुझे रात का खाना 5 बजे के पहले ही खाना है आज, वरना बाद में नहीं मिलेगा ऐसा बोल रहे थे सब। देखते हैं अभी क्या होता है, अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ, देखिए मेरी आंखें भी नहीं खुल रही हैं, इतना ज़्यादा मैं टायर्ड फील कर रही हूँ। तो अब मैं थोड़ी देर सोती हूँ, रेस्ट करती हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। खैर आप लोगों ने बचबारस कैसे सेलिब्रेट किया मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यार मैं जस्ट अभी सो के उठी हूँ, अभी मैंने फ्रेश हुई थोड़ा सा और मुँह हाथ धोया, और ये बापू तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे पूरा काम इसने ही किया हो, जबकि ये तो स्कूल गया हुआ था। भाई एक्सट्रीम टायर्ड फील हो रहा है, जैसे ना आँखें खुल नहीं रही हैं, और मानो नहीं मानो मुझे ये चीज़ होती है, तो भाई ये जो नज़र वाला खेल होता है ना मेरे साथ वो होता है, मुझे नज़र हो जाती है तो फिर मेरी आँखें भारी हो जाती हैं, खुलती नहीं है। अब मैं जाऊँगी, मैं माँ को बोलूँगी थोड़ी सी नज़र उतारो, और सच में उसके बाद मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील होने लगता है। तो मैं ये चीज़ मानती हूँ, भले मतलब ऐसे आप मानते हो चाहे नहीं मानते हो सकता है आप ये मेरी बात जज भी करो, लेकिन मैं मानती हूँ मेरे साथ ये चीज़ होती है। इसलिए इवन मैं यदि किसी दिन बहुत मतलब ऐसे तैयार हो गई हूँ या अच्छी लग रही हूँ, मैं उस दिन बाहर घूम आई हूँ, तो मुझे सच में नज़र जैसा हो जाता है, भारी भारी लगने लगता है, खाया पिया हुआ पछता नहीं है, उबासियाँ आती हैं बहुत ज़्यादा, और फिर जैसे ही नज़र उतारो वैसे ही मुझे थोड़ा सा नॉर्मल फील होने लगता है। हो सकता है ये मेंटली या अपने दिमागी जो साइकोलॉजी कहते हैं वो होगी, बट मेरे साथ होता है तो मैं तो मानती हूँ। तो भाई अब जाती हूँ मैं नीचे, मुझे खाना था 5 बजे के पहले खाना, लेकिन मैंने खाया ही खाना 3 बजे था, तो फिर मुझे भूख नहीं थी कुछ भी। तो अब मैं जाती हूँ थोड़ी सी दूध चाय कॉफ़ी पी लूँगी, उसके बाद रात में 12 बजे के बाद खाना खा लूँगी। चलो बाय बाय, चलो चलो अभी नीचे चलें। यार मुझे इतनी थकान लग रही है, इतना अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा खाना मैंने ही बनाया है। तो मैंने ना खाना खाया अभी, ना कुछ भी किया, जस्ट थोड़े बहुत काम किए, बर्तन जमाना, बर्तन धोना, और थोड़े बहुत ऐसे प्रिपरेशन वगैरह जो भी रहता है, बात का समेटना, वो सब किया। दैट्स इट, अब एक आ गया 1 मिनट, बस अब मैं बहुत थक गई हूँ और अब मैं सो गई। हाँ ठीक है खेलेंगे 5 मिनट्स अभी। बस ये था मेरा दिन बचबारस का, क्या आप लोग बचबारस करते हैं। वैसे मुझे आपको बहुत सारी बातें बताना था, अब मैं वॉइस ओवर करूँगी ना उसमें सब कुछ डाल दूँगी। तो चलो
आप लोग बचवास करते हैं क्या, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और क्या क्या बचवास के दिन आप लोग खाते हैं मुझे वो भी बताइएगा। हम लोग जो खाते हैं वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी फिर से कुछ नया लेकर नए ब्लॉग में। अभी क्या फेस्टिवल्स इतने आ रहे हैं ना एक के बाद, तो इसलिए कंटिन्यू यही ब्लॉग्स आ रहे हैं। अब मैं आपसे कुछ आगे क्रिएटिव और कुछ नया जरूर शेयर करूंगी, कुछ अच्छा शूट करके कुछ अच्छा शेयर करूंगी। वैसे 2-3 मैंने किए हुए हैं तो वो जल्दी आप लोगों से शेयर करती हूँ। और वैसे आप आगे किस चीज़ का हॉल वीडियो देखना चाहते हैं या क्या देखना चाहते हैं मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी फिर से कुछ नया लेकर, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि संसार को खुशियों की बहुत ज़रूरत है। लव यू सो मच, सी यू सोन इन नेक्स्ट ब्लॉग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।